नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी और आज की बुलेटिन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। और आप लगातार जो है देखना शुरू कर चुके हैं ऑल टाइम पब्लिक इंडिया, ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें फेक न्यूज हम नहीं देते हैं। महागामा की विधायक, कांग्रेस पार्टी की विधायक है, महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ा था दीपिका पांडे सिंह। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर उन्होंने महागामा में अविलंब 300 बेड की जो सैया है, 300 बेड जो है होने चाहिए अस्पताल के निर्माण की जो मांग है उसको लेकर उन्होंने आवेदन दिया। आवेदन में उन्होंने कहा कि किरण कुमार पासी जो कि अभी गोड्डा की डीसी हैं, उनसे बातचीत के क्रम में उनको पता चला कि फाउंडेशन ट्रस्ट, खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट जो है उसमें राशि है और उस राशि से इस अस्पताल का निर्माण कार्य कराया जा सकता है। तो अविलंब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये जो अस्पताल है ये इसकी उपयोगिता को समझिए, लगभग 5 लाख एक तरीके से लोग इससे प्रभावित हैं। अगर यहां से जिला मुख्यालय यानी कि गोड्डा जाने के लिए महागामा से, महागामा के आसपास के इलाकों से लगभग 40 किलोमीटर का फासला है, तो यहां पर अस्पताल बनने से काफी लोगों में खुशी का माहौल हो जाएगा, लोग काफी खुश होंगे। इससे पहले लगातार दीपिका पांडे सिंह ने महागामा के अंदर अलग अलग पंचायतों के अलग अलग हिस्सों में जनता दरबार का आयोजन किया। कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि वो काफी एक्टिव नजर आ रही थी और इसी क्रम में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र जो कि उनका खरौंदी गांव है वहां पर सीमानपुर खरौंदी के आसपास के इलाकों में जनता दरबार का भी आयोजन किया। लोगों ने काफी आवेदन दिए हैं और जो आवेदन दिया गया है उस पर उन्होंने जल्द से जल्द प्रशासनिक अधिकारियों कहा कि इसको समाधान करके जनता में एक अच्छी राय, क्योंकि जनता हमेशा चाहती है कि उनके प्रतिनिधि काम करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है पीरपैंती के बसंतपुर से। आग ने सब कुछ छीन लिया, लगभग 30 से ज्यादा परिवारों पे संकट इस वक्त गहरा है। लोग माघी पूर्णिमा के अवसर पे अपने घरों से दूर माघी मेला देखने गए हुए थे, लेकिन इस बीच आग ने उनके घरों के सारे सामानों को जला दिया। एक तरीके से बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि वहां पर जो भी ग्रामीण उपलब्ध थे उन्होंने कहा कि पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय में जो बहुत पहले से ही मांग है, लगातार आपने देखा कि आसपास के इलाकों में आग की घटनाएं होती है, लेकिन प्रखंड मुख्यालय में बड़ा दमकल न होना यह अपने आप में ही एक सिस्टम पे सवाल पैदा करता है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया हमेशा से मांग करती है कि प्रखंड मुख्यालय में दमकल की गाड़ियां हो, बड़ी दमकल की गाड़ियों की जरूरत है। यहां पर बड़ी दमकल की गाड़ियों की खास जरूरत है क्योंकि एनटीपीसी का क्षेत्र काफी दूर पड़ जाता है, जब वो आता है तो आग तब तक फैल गई होती है और आग का बचाव जो है वो शुरुआत में किया जा सकता है, बाद में जैसे जैसे आग फैलती है उसके बाद मुश्किल हो जाती है। तो देखिए वरुण गोस्वामी जो कि वहां पे हमारे साथ उन्होंने बातचीत किया वो क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में आप सुनिए। इस वक्त पीरपैंती प्रखंड के वसंतपुर में है और आग बड़ी ही दर्दनाक आग, माघी पूर्णिमा का जो आज मेला था घर में लोग नहीं थे और इसी पे जो है यहाँ पे आग लगी हुई है। लोग लगातार बुझा रहे हैं, दमकल की भी गाड़ियाँ हैं हमारे साथ, वरुण जी बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या मांग है जो लगातार लोग कह रहे हैं कि दो दमकल, बड़ी बड़ी दमकलों का प्रखंड मुख्यालय में होना जरूरी है, क्या कहेंगे? आए दिन पीरपैंती एक बड़ा भागलपुर जिला में सबसे बड़ा पंचायत ये प्रखंड है, 29 पंचायत का ये प्रखंड है, तो हम समझते हैं कि यहाँ से लेकर दीरा तक आप जाइए और यहाँ से अनुमंडल की दूरी और रास्ता खराब होने की दूरी देखिए, रास्ता 30 किलोमीटर पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये मतलब दमकल प्रखंड में व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर लगातार लोगों की मांग है जिसको लेकर के आदमी इस तरह की घटना देख रहे हैं। आज यहाँ हुआ, बाराहाट में हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मतलब दमकल के हो जाने से जल्द आग बुझने का ये होता, लेकिन आज गरीब लोगों का जिस प्रकार से आग लगा है देख रहे हैं कि यहाँ तक ये कपड़ा तक घर में नहीं बचा, कुछ भी नहीं। मुआवजा के लिए क्या मांग करेंगे सरकार से, अधिकारियों से? इस पंचायत के सरपंच होने के नाते जिससे जितना हमसे बन पड़ेगा जरूर कल हम सीओ साहब से मिल करके इस विषय पे अपना जरूर रखेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इन लोगों को मुआवजा मिले, चूँकि गरीब लोग हैं जो भी सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री महागठबंधन से हेमंत सोरेन
काली तल्ला जो कि अब मैं आपको बता दूं कि राजमहल के सांसद विजय हांसदा की शादी थी और शादी के बाद रिसेप्शन में शामिल होने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। ये तस्वीरें आप वहीं से देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को ये चाहिए कि वो जीवन में अपने जीवन साथी का चुनाव सही तरीके से करें। उन्होंने झारखंड के विकास को लेकर भी बातें कही। उनके साथ तमाम लोकप्रिय मंत्री और भी लोग विधायक वहां पे इस शादी में मौजूद थे। विजय हांसदा जो कि राजमहल के सांसद है, झामुमो की पार्टी से एक ही सांसद है, वो राजमहल से वो वहां से चुनाव जीते हैं। उनकी शादी की ये तस्वीरें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीरपैंती के मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्यालापुर में टीचर और पेरेंट्स की जो मीटिंग हुई थी शनिवार को, उसके बाद लगातार चंदन सिराज के अगुवाई में वहां पे बाकी और टीचर्स, प्रिंसिपल अशोक ठाकुर जी, साधना मैम और संयुक्त रूप से सभी ने उन विद्यार्थियों को, उन स्काउट एवं गाइड्स के प्रतिभागियों को सम्मानित किया, उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिन्होंने की समाज में सेवा भाव की नई मिसाल कायम की। देखिए, खुशी कुमारी, सोनाली कुमारी, आप देख रहे हैं तस्वीरों में राहुल कुमार यादव, बाकी अलग अलग जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने कि अच्छा किया था, कुछ टेस्ट लेने पर जिन्होंने अच्छे मार्क्स अर्जित किए थे उनको भी अवार्ड दिया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात रही कि इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल सर ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। साधना मैम भी वहाँ उपस्थित थी। लगातार आप देख सकते हैं तस्वीरों में चंदन सिराज ने कहा कि स्काउटिंग और स्काउट्स और गाइड्स के माध्यम से आप समाज में एक अनुशासन ला सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से ये तस्वीरें मॉडर्न पब्लिक स्कूल प्यालापुर की है। अगले खबर की ओर। पीरपैंती के राजगंज में RCC क्लब के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में खानपुर और कमल चक के बीच का फाइनल मैच खेला गया। खानपुर की टीम ने इस मैच को 19.4 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 182 रन का जो स्कोर था, टारगेट था, उसको पाकर जीत लिया। कमलचक की टीम लगातार जो है इस मैच में बढ़िया खेल रही थी। इस मैच के पहले खानपुर और कमलचक के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था, इस मैच में भी कड़ा मुकाबला था, लेकिन अंतिम ओवरों में जो नो बॉल था उसने मैच का टर्निंग पॉइंट लिया। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। इस टूर्नामेंट का आयोजन RCC क्लब के द्वारा किया गया था। फाइनल मैच का उद्घाटन पीरपैंती के विधायक रामविलास पासवान के हाथों हुआ। खानपुर के टीम के राजा को मैन ऑफ द मैच दिया गया। सोनू को बेस्ट बल्लेबाज तथा मोहम्मद राजा को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया। विजेता की टीम को 3,000 रुपये और ट्रॉफी दिया गया। उपविजेता के टीम को 2,000 रुपये और ट्रॉफी दिया गया। इस मैच में अंपायर मोहम्मद छोटू और मोहम्मद दानिश, स्कोरर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद तालिब, कमेंट्री मोहम्मद नजामुद्दीन ने अपना योगदान दिया। सुनिए बातचीत हुआ हमारे साथ आयोजक के रूप में, बाकी सभी लोगों ने सहयोग दिया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुलफराज सिंह मौजूद हैं। ये बताइए किस तरीके का ये पूरा टूर्नामेंट था, कितने टीमों ने भाग लिया और अब आज जो फाइनल का रिजल्ट आया है, तो आप लोग ने कितना मेहनत किया इसके लिए? देखिए, सबसे पहले बहुत दिनों के बाद ग्रामीण एरिया में इस प्रकार का आयोजन किया गया है। हम नेक्स्ट बार चाह रहे हैं कि खेल हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग, प्लेयर लोग एक दूसरे जिला से भी इस ग्राउंड में आए। और जैसा कि काफ़ी हम लोग मेहनत किए हैं 15 दिन में, उद्घाटन आज का जो मैच का जो किया गया था श्री रामविलास जी के द्वारा, उनको भी बुलाने में काफ़ी हमने मेहनत किया। और इनमें से 2-3 लोग हैं जिनमें से मिस्टर रोमी और मिस्टर सत्य, ये लोग ने काफ़ी मैच को कराने में अपना योगदान दिए हैं। और काफ़ी यहाँ के लोग दर्शक हमेशा 4 से 5 लोग मैच देखने के लिए आते थे। आपका धन्यवाद भाई। क्रिकेट के दिलों पे क्रिकेटर्स के नाते जो है लगातार क्षेत्र में एक अलग ही उपलब्धि है और आज मैच में भी इन्होंने भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कृष्णा सर के रूप में विख्यात, और इनकी जो कोचिंग चलती है कहलगांव में वो भी काफ़ी फेमस कोचिंग चलती है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, खेल जो है ग्रामीण परिवेश में इस तरह का आयोजन क्या कितना फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों को? सबसे पहले सर आपको नमस्कार, और सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि खेल जो है, खेल एक शारीरिक विकास के साथ साथ वो एक बौद्धिक विकास को भी आगे बढ़ाता है। खेलने से आपका तो क्या बोलते शारीरिक तो तंदुरुस्त होता है, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी क्या होता है विकास। और हम यहाँ पर खेले थे और अच्छा खेले थे हम। आज फाइनल के दौर में
18 ओवर में मार से कम रन चाहिए था, लेकिन दो ओवर में आने का हमारे गेंदबाजों ने 53 रन और लेट से आने का भी वजह हुआ। मैंने लक्ष्य 120 ओवर में 183 रन है, इससे अच्छा से खेले। मैंने जांच के तौर पे तीन ऐसे महत्वपूर्ण कैच पकड़े जिसके कारण जो है वो 183 में धारा सही हो गई और अंततः जो है हमारे लक्ष्य पर आगे खेलते रहे और मैच को जीत।